जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे एडीजी आनंद कुमार ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में एसएसपी मथुरा, एसपी और जनपद के कई सीओ मौजूद रहे। बैठक से पहले एडीजी आनंद कुमार ने निरीक्षण किया और जो कमियां पाई गई हैं उनको जल्द ही पूरा करने की बात कही। साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। साथ ही उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करके कहा कि श्रद्धा भाव से आकर सहयोग प्रदान करें। क्या सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की रहेगी? देखिए, हम लोगों ने पूरे परिसर का भ्रमण किया है और भ्रमण करने के पश्चात हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था का आकलन किया है। और आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, उसके लिए हम लोग फोर्स की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं का आकलन किया गया है। अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे और ये जो बैठक होती है उसमें निकल कर आए कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, उसको लेकर क्या रहेगा? जो भी व्यवस्था में कमी है उसको दुरुस्त किया जाएगा समय रहते हुए, और जो भी अतिरिक्त बल मैंने आज जैसे आपको बताया या अतिरिक्त उपकरण है उनको डिप्लॉय किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा लगातार जन्माष्टमी को लेकर आतंकी हमले की बात एहतियात बरतने की बात कही जा रही है, उसको लेकर क्या? पर्याप्त अभिसूचना तंत्र के माध्यम से पर्याप्त जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उसको चाक चौबंद किया जा रहा है। कान्हा के जन्म उत्सव का पर्व नजदीक है, जिसके मद्देनजर कान्हा की नगरी में सुरक्षा तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।